जिस वक्त बगहा दो प्रखंड के हरनाटांड में मौजूद हैं, पीएससी हरनाटांड में मौजूद हैं, जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक यही सरकारी अस्पताल का है, तो यही एक अस्पताल है। और यह जो है जब निर्माण हुआ तो इसके पहले प्रभारी जो हुए थे नित्यानंद सिंह, जो 31 मार्च 2007 में यहाँ प्रभार लिए और उन्होंने 2016 तक यहाँ पे प्रभारी के रूप में राजेश कुमार नीरज, 2016 में उन्होंने प्रभार लिया और जनवरी 2022 तक प्रभार में रहे। फिर यहाँ अनियमितता के कारण उनको जो है बर्खास्त करते हुए आरोप लगा कि अनियमितता पाई गई है, तो 19 जनवरी 2022 को केवीएन सिंह को यहाँ प्रभारी नियुक्त किया गया। फिर 2 मार्च को फिर दोबारा जो है राजेश कुमार नीरज आते हैं यहाँ प्रभारी के रूप में, और फिर उनके बाद 8 मार्च को इरशाद आलम को यहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है। एक सप्ताह रहने के बाद ही संदीप कुमार राय को यहाँ प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो अभी वर्तमान में प्रभारी के रूप में है। ये सारे लिस्ट अगर नामों का देखा जाए तो यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, जो एक महीने में कम से कम 4-5 प्रभारी बदले जा चुके हैं। बहरहाल जांच पड़ताल तो होता रह रहा है। CSI और आज जो है SDM बगहा भी आकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, और देखना यह है कि यह बदला बदली और प्रभार का खेल कब तक चलता है, यह देखने वाली बात है। मैं हूं धर्मजीत महतो, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। विधानसभा में तरंगित प्रश्न के रिस्पांस में और एक और आवेदन आया था यहाँ के लोगों द्वारा, आरोपों द्वारा यहाँ पे रोगी कल्याण समिति और भी प्रशासनिक नियमितताएँ हैं जिसकी जांच की टीम भी गठित की गई थी, लेकिन उसके बाद मेरे और CEO साहब बगहा को की टीम ने यहाँ पे आकर जितने भी कागजात हैं उसका जांच किया गया है और कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं, उसका रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे जो भी विभाग है, कंसर्न विभाग, और जो भी यहाँ पर अनियमितताएँ हैं उसको सही की जाएगी।